अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नज़ाकत अली। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपनी जिंदगी में डरते रहते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये स्पेशली स्टोरी उन लोगों के लिए है कि जो अपनी जिंदगी में डरते हैं, रिस्क नहीं लेते। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म का आगाज किया एक बंदे ने, उसके पास उसने 10 साल अपनी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी, मतलब मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाए, उसने 10 साल की जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, स्ट्रगल एफर्ट के जो पैसे थे, उसने क्या किया कि वो सारे पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट करके उसने पोल्ट्री फार्म का आगाज किया, मुर्गी फार्म का उसने जो है ना आगाज किया। जब उसने मुर्गी फार्म का आगाज किया, स्टार्ट किया, तो उसने जब माल डाला उसमें पोल्ट्री फार्म में, तो जब तैयार हो गया माल सेल करने पे आया, तो ऐसा हुआ कि 2 दिन में उनको ऐसी बीमारी आई कि 2 दिन के अंदर उनका सारा का सारा माल इस लेवल तक खराब हो गया कि सारा का सारा माल बीमार होने के साथ साथ मर गया। 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारा का सारा, हवा ऐसी होती है जो पोल्ट्री फार्म वाले लोग, उनको ज्यादा नॉलेज होगा इस चीज के बारे में, कि वो 24 घंटों के अंदर जो था वो सारा का सारा माल उनका खत्म हो गया, मर गया। और जब मर गया तो उसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी लग चुकी थी, और जबकि लग चुकी थी तो उसके पास उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो दोबारा उसमें माल डाल सके। उसने बड़ा रिस्क लिया कि उसने बैंक से कर्जा लिया, लोन लेने के बाद उसने उसी जगह पे उसी पोल्ट्री फार्म में दोबारा माल डाला। जब दोबारा माल डाला तो ये पोजीशन आई कि वो माल फिर जब तैयार हुआ, तो तैयार होने पे जब सेल का टाइम आया तो फिर बीमारी आई, फिर सारा का सारा खत्म हो गया। जो 10 साल की जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, जो बैंक से लोन लेके माल डाला था वो भी खत्म हो गया। तीसरी दफा उसने क्या किया कि उसके हिस्से में जो जमीन का टुकड़ा आता था उसने वो सेल किया, और सेल करके फिर माल डाल दिया। और जब माल डाला तो तीसरी दफा ऐसा हुआ कि उसका फिर माल सारा का सारा जो है ना वो खराब हो गया, जाया हो गया, फिर ऐसी हवा आई कि माल मर गया। 3 दफा उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब 4थी दफा उसके पास कोई सलूशन नहीं था कि मैं इसमें दोबारा माल कहां से डालूं। पहला माल जहां पे डाला है वो जो बैंक वाले हैं वो भी आके पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा हमें वापस करें, और उसके पास कोई चीज नहीं। कहता यहां तक कि जो मेरे पास ट्रैक्टर खड़े थे, मशीनरी खड़ी थी, मैंने सारा कुछ सेल किया, A to Z, कहता जो मेरे घर के बर्तनों तक चीजें थी सेल की, और कहता मैंने 4थी दफा सामान माल सारा उठाया सेल किया, और कहता 4थी दफा मैंने रिस्क लिया फिर माल डाला। और कहता जब मैंने 4थी दफा माल डाला तो कहता फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा माल मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, और वो मेरा सेल हो गया। कहता जब सेल हुआ तो मुझे बड़े पैमाने पे प्रॉफिट मिला। कहता जब बड़े पैमाने पे प्रॉफिट मिला तो कहता मैंने फिर माल डाला। 40 दिन का उसका प्रोसीजर होता है। कहता मैंने फिर माल डाला, फिर माल डाला। कहता जब मैंने बिजनेस का स्टार्ट लिया तो इतनी मुश्किलात थी, इतनी चैलेंज था मेरे पास, के यहां तक कि मेरा घर सेल होने वाला रह गया, बाकी सारी चीजें थी जो मैंने सेल कर दी। कहता फिर मैंने जो बैंक से बैलेंस लिया था, लोन लिया था, कहता वो भी मैंने वापस रिटर्न किया। फिर वो जमीन, कहता उससे कई हजार गुना ज्यादा, कहता मैंने चंद सालों के अंदर जमीन बना ली, और कहता फिर मैंने वो सारी चीजें भी बना ली। और कहता उसके जबानी ये है कहानी का कि जिंदगी के अंदर आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही कामयाब हो जाएंगे, आपको उसमें एफर्ट, स्ट्रगल और मुश्किल मिजाजी के साथ चलना पड़ेगा। कामयाबी हर जगह पे है, लेकिन उसका रास्ता एक ही है, आपको फाइट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, जंग लड़नी पड़ती है। और जब तक आप जंग नहीं लड़ेंगे, फाइट नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। जिंदगी के अंदर कभी मायूस ना हो, आप एक तो सलसल के साथ चलते रहें, अल्लाह की जात की तरफ से आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, आपको बुलंदियां भी मिलेंगी, और आप चल के वहां तक जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। बस कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारे जो शुरू किया है, और शुरू पे उसका एक मकसद बना ले कि मैंने इसमें टॉप लेवल पे जाना। और इंसान
ने जिंदगी के अंदर जितना कुछ भी सीखा वो पहले हारा फिर जीता, इस पे मैं इंशाल्लाह कल आपको एक वीडियो दूंगा। और बहुत शुक्रिया, बस यही मैसेज है कि कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारें, जो आपने स्टार्ट किया उस पे फाइट करें, स्ट्रगल करें, और आपको इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से कामयाबियां मिलेंगी जब आपकी नीयत साफ होगी और उस पर आप फाइट करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, ये स्टोरी। फी अमानुल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।